विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभाजनन का प्रणाम करी थे। विंध्य के लाल, विंध्य के सपूत, विंध्य के माटी में वह ऊर्जा है जब देश में अपन जान न्योछावर के बात आबत ही, तो वह विंध्य के सपूत, विंध्य के शेर, विंध्य के माटी के लाल अपने आप का, अपने छाती का आगे कह दे थे। वह दर्द वह दुख के मंजर विंध्य माँ आबा और जौन कहो न कहो पूरे विंध्य का सो का कुल कह दिएस। अपना पंचे जनता लागन कि भारत चीन के बीच में कहो न कहो विवाद चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है। जौन हम अपना पंचे का बताई दी कि लद्दाख सीमा के गलवान वैली में 20 जवान भारत के शहीद भे। जौन हम अपना पंचे का बताई दी चीन के 43 सैनिकन के मारे के पुष्टि भे। किंतु बात यह है कि हम अपन वीर जवान खो दिए। वीर जवान हुआ जो मातृभूमि के सेवक के संकल्प लेके अपने तन मन धन सबका समर्पित कह देते। वह न परिवार देखे, न बाल गोपाल देखे, न अपन घर देखे, न द्वार देखे, ओका दिखा थी तो भारत माँ के लाज। वह में विंध्य के एक लाल दीपक जिनकर निवास स्थान मनगमा थाना क्षेत्र के फरैद गांव के दीपक सिंह शहीद हुए। भारत के विंध्य के माटी के वह लाल आज हमरे बीच में नहीं है, किंतु युगन युगन तक वह विंध्य के माटी के सपूत के चर्चा हुई और यादन माँ हमेशा हो भारत के वीर सपूत के तरह याद कीजिए। अपना पंचर को बता दी कि 16 बिहार रेजिमेंट में जो है वो रहे और अभी 6 महीना पहले उनका शादी बह रही। किंतु यह दौर जब घर में सूचना पहुंची तो हर वह शख्स बिलख दीस, वह हर शख्स रो दीस जौन दीपक का जानत रहा। दीपक शहीद जरूर हुई गए मगर लोगन के जहन माँ ताउम्र जिंदा रही। वहीं दीपक के घर माँ जब हमार एमपी संदेश न्यूज़ 24 की टीम पहुंची तो उनके दादी के रो रो के बुरा हाल रहा। अपने बघेली भाषा माँ हूँ अपन दर्द व्यक्त कर रही कि हमार लाला कहे रहा कि हम आऊ बहुत जल्दी आऊ, किंतु या कोरोना के चलते वो नहीं आ पाए। और सैनिक कन के जो हैं कहो न कहो भारत भूमि की रक्षा प्रथम कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करत की अपन प्राण ने छावर के दिन। यह दुखद मंजर जब वह हर भारतीय जी जानिस वो कर आंखें नम हो गए। और विंध्य माँ तो हालात यह रहे कि शोक मंडूबी का पूरा विंध्य। अब वह फरैद गांव में कहो न कहो मातम पसरा है, लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और वह वीर गति प्राप्त करे वाले शहीद दीपक सिंह के एक झलक पावे का और कहो न कहो उनके चरणन के धूल खातिर वह हर शख्स इंतजार कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपना पंचर का बताया दी कि कल पार्थिव शरीर जो है रीवा पहुंची और वो के बाद अंतिम संस्कार के पूरा जो है प्रोसेस प्रक्रिया जो है शुरू हुई। किंतु यह दौर सबसे यदि बात की जाए जो हृदय विदारक घटना होती एक बाप के दिल पसीज जात है, एक दादी के दिल पसीज जात है, वही थे पत्नी हैं। अब सोच ली कि कल्पना करी कि एक भारत माँ के लाल अपने कितने लोगन का अपने हमरे अपना के हवाले कह दिए। कहे कि वह यह मानत है कि हमारा परिवार हमार देशवासी संभली और हम देश का संभालब, तो यह में जज्बा का हम एमपी संदेश न्यूज़ 24 उनके चरणन पर विनम्र अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करी थे और यह मनाई थे कि दीपक जहाँ कहाँ हुए प्रभु श्री चरणन में उनका अपने स्थान दे। तो देखिए पूरी रिपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मोरी कल्पनिया, मोरी कल्पनिया, मोरी डाला कैसा पावाई रे, मोला ला नहीं जानेंगे अब ना।
जब जा लागे लाला तब कहीं के बुआ था सरोज माया हुआ तकलीफ न हो मो लाला मोरी लाला अब का करब रे मो लाला के का गलियारब रे के देखा लाला मर नहीं पाए रे जा लागे कहीं के अब माऊ बुआ जो हो तो 15 रोज माऊ चिंता ना कर पैसा नाम के कौन बात हो हम कौवा कर हम सब पठवाओ पापा माई बुआ के तकलीफ न हो लाला ऐ बात कहीं दुराई का कहीं क्यों का कम न बात का तकलीफ न हो अभी बातचीत कुछ हुई थी आपकी बात है कहीं नहीं भरी फोन नहीं कहीं नहीं लगाई लाला लड़का कहन के तुम लगाओ बता दू कि नहीं आवा तो कहीं लगा उतना ही नहीं आ तो का करी बुआ ठीक बंती संस्कार की योजना तो आप देख ही रहे हैं जो हम लोगों से हो रहा है वो कर ही रहे हैं जो प्रशासन कर रहा है प्रशासन भी मदद कर रहा है ऐसी कोई बात नहीं है और अब इसकी योजना यही है कि अभी जो बाड़िए है तो अभी तो आ नहीं पाई है अब उसको आने में अभी आज आ जाए कल आ जाए अब उसके बाद ही होगा जो होगा यहाँ क्या सूचना दी गई शासन द्वारा सूचना ये दी गई है कि जो दीपक सिंह की बॉडी है वो शाम तक आएगी इलाहाबाद 5 बजे तक लेकिन अभी इसकी कोई वैसे कोई और सूचना नहीं मिल पाई है अभी तो दिल्ली में ही थी वहाँ से इलाहाबाद से फिर यहाँ आएगी अभी तो उसकी कोई सूचना नहीं मिल पाई है वैसे सुबह 9 बजे तक की है जानकारी सुबह 9 बजे तक बॉडी जो है यहाँ पहुँच जाएगी ग्राम में